वेदना विकल ये चेतन, जड़ पीड़ा से नरतन, लय सीमा में ये कंपन, अभिनय में है परिवर्तन, चल रहा कभी से ये कुढ़ंग। नियति के इन प्रश्नों से वे जूझ ही रहे थे कि नियति ने अपने क्रूर दर्शन भी इन्हें करा दिए और पायु में ही उनके पिता को उनसे छीन लिया और किशोर प्रसाद को परिपक्व प्रसाद में ढलने को विवश कर दिया। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल से उससे हारी होड़ लगाई, आह वेदना मिली विदाई। जहां कर्तव्य और भावनाएं साथ साथ चलती हैं, वहीं जन्म होता है असाधारण व्यक्तित्व का। असमय आन पड़े समस्त पारिवारिक उत्तरदायित्वों, आपसी कलह और मुकदमेबाजियों के बावजूद उनका सृजनशील मन आकुल व्याकुल रहता था। एक चाह, रचना की चाह, अपने होने की चाह को समेटे हुए और चाहत की पूर्ति के लिए मां सरस्वती ने अपनी कलम इन्हें पकड़ा दी। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। इनका पूरा परिवार भगवान शंकर का उपासक था। यूं तो प्रसाद के लिखने का कोई निश्चित समय और स्थान नहीं होता था, परंतु अधिकतर उनका लेखन शिव मंदिर में होता था, जहां उनकी रचनाओं के पहले पाठक हुआ करते थे भगवान शंकर, जिन्हें वे अपनी रचनाएं अर्पित करते थे। ये मानसिक विप्लव प्रभो जो हो रहे दिन रात हैं, कुविचार कुरों के कठिन कैसे कुटिल आघात हैं। हे नाथ मेरे सारथी बन जाओ मानस युद्ध में, फिर तो ठहरने से बचेंगे एक भी न विरुद्ध में। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा। प्रकृति और सौंदर्य के पुजारी जयशंकर प्रसाद और छायावादी कवियों ने साहित्य में पहली बार नारी को रीतकालीन भोग विलास और द्विवेदी युगीन दया की पात्रा से बाहर निकालकर उसे आदर प्रेम और श्रद्धा का स्थान दिया। सुमित्रानंदन पंत ने जहां नारी को देवी मां सहचरी प्राण कहा, तो प्रसाद ने माना, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। लो काम से फुर्सत मिल गई, बाबू साहब आ गए। अरे भाई काम को कभी मैंने आप लोगों की संगत से ज्यादा महत्व दिया है, हैं? नहीं ये तो यूं ही कह रहे थे। यूं ही? अरे यूं ही तो आप कुछ भी कहते रहिए, किसी को भी कहते रहिए, क्यों भाई, हैं? बिल्कुल साहब, कहने को तो लोगों ने भारतेंदु जी को नहीं छोड़ा, उनके गद्य और व्याकरण में भी। वैसे विद्वानों को क्या कहा जाए, हैं? जो सिर्फ अक्षरों के पीछे जाते हैं, है किसी में इतनी शक्ति जो गद्य में ऐसा तेज और शोखी पैदा कर सके, है किसी में इतनी शक्ति। और रही बात व्याकरण की, तो व्याकरण उस समय बन रहा था, फिर भारतेंदु कैसे दोषी हो सकते हैं। और लीजिए, ये है गोस्वामी तुलसीदास जी के श्रद्धालुओं में से एक, क्या फरमाते हैं इनकी सुनिए। हम सब जानते हैं, सब सुन चुके हैं, हम रहते अपनी दुकान में हैं, पर हमारे कान यहाँ रहते हैं। हाँ है पंडित जी, हम आपकी बात को काटना नहीं चाहते, परंतु आप इतना बताएंगे, उमग नदी अम्बुद धाई वो क्या है? ए छटा बनारसी सो तो है भाई। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। जयशंकर प्रसाद कला के जबरदस्त पारखी थे और लोक गीतों आदि के अद्भुत प्रेमी। क्षमा कीजिएगा बाबू साहब, आज फिर आपके कार्य में विघ्न डालने चलाया। कौन मोतीचंद? आओ बैठो बैठो। जी भाई विघ्न किस बात का? कुछ पत्र आए थे, वो पढ़ रहा था। जब आप किसी के पत्र का उत्तर ही नहीं देते तो फिर इन्हें पढ़कर इसका उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। और कहो, और सब आपके आशीर्वाद से ठीक है,
आप कोई अच्छी सी ऐतिहासिक फिल्म के लिए कहानी क्यों नहीं देते? प्रेमचंद जी बंबई गए थे, उनको कितना मजा आया ये तो तुम्हें अच्छी तरह पता है। जी फिर भी कोशिश करूंगा। ये कौन गा रही है? जो भी गा रही है, जैसे भी गा रही है, भाई कजरी तो सजनी और नौनिया गाया करती थी। नौनिया जब अपनी बनाई हुई कजरी लोलाट छत पर गाती थी जी, तो 5-6 हजार आदमियों की भीड़ उसके पीछे निकल पड़ती थी। अच्छा, और सहजनिया, सहजनिया की आवाज में जो मधुर रस टपकता था और उसकी आवाज से जो करुण रस और श्रृंगार रस का समावेश होता था जी, उससे मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो थी कजरी। अब कहां की कजरी और कहां का संगीत मोतीचंद। जयशंकर प्रसाद यूं कवि के रूप में अधिक प्रकाश में आए, परंतु उनके साहित्यिक योगदान के 5 स्पष्ट रूप हैं: कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास के साथ साथ गंभीर और विचारात्मक निबंध भी। इनके तीनों उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती जहां सामाजिक ढोंग और कुरीतियों की कलई खोलते हैं, वहीं अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, विशाख, करुणालय जैसे नाटकों के माध्यम से इन्होंने इतिहास की गौरव गाथा और देश प्रेम का बखान किया है। इतिहास साक्षी है कि जब जब भावनाओं पर शुष्क और कठोर बुद्धि ने डेरा डाला है, तब तब विनाश और महाविनाश हुआ है। देश के स्तर पर ये नुकसान और व्यक्तिगत स्तर पर पत्नी की असामयिक मृत्यु ने प्रसाद को एकदम से झकझोर कर रख दिया और वे संसार को महाठगनी समझते हुए सन्यास धर्म की ओर उन्मुख हो चले। कहाँ सारू? अहरी कुत्ते की तरह यहां भी पहुंच चुके? अहरी कुत्ता आसानी से साथ नहीं छोड़ता है, और आपको पता है भाभी की तबीयत बहुत खराब है। चलिए घर चलिए। ऐसा फरीब? फरीब? घर चलेंगे तब पता चलेगा ये कौन फरीब कर रहा है। चलिए घर चलिए। क्षमा करना प्रभु, चलो चलिए। मालूम नहीं क्या हुआ होगा। दुलहीन, दुलहीन, भैया आ गई लन। आ गई लन? कहां रहे इतना दिन? ये तो कह रहे थे आप बीमार हैं। हाँ चल। हाँ, तुम्हारी चिंता में चार पाई पकड़ ली थी बस। पता पता कहाँ छोड़कर चले गए थे? यह कौन है, किसे मेरी चिंता है? तुम तो जानते हो तुम्हारे भैया तुम्हें मेरे सहारे और मुझे तुम्हारे सहारे छोड़ गए हैं। और ये तुमने क्या किया? मुझे सहारा देना तो क्या, तुम्हें मुझे छोड़कर चले गए। और हटाओ हटाओ ये चादर और फेंक दो ये लोटा सोटा। अरे संसार से दूर होकर जाओगे कहाँ? सब कुछ तो छिन चुका है मेरा, अब बचा है क्या इस संसार में? चल चल, तेरे इस ज्ञान दर्शन का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ने वाला। सुन, अब चलकर नहा ले और कुछ खा पी ले। अच्छा। घर के इस तृतीय परंतु प्रमुख पुरुष का सन्यास, घर जैसे सूखे तिनके का ढेर हो गया था। ऐसे में प्रसाद जी की भाभी ने उन्हें गीता के कर्मण्येव वाधिकारस्ते का पाठ पढ़ाया तथा मानव जन्म और कर्म की याद दिलाई कि जीवन की सच्चाइयों से मुंह मोड़कर भाग जाना वीरता नहीं कायरता है। और भाभी की आज्ञा शिरोधार्य कर
प्रसाद पुनः गृहस्थाश्रम की ओर उन्मुख हुए, परंतु जैसे विदेह भाव से वे संसार के कर्मों के साथ साथ डूब गए अपने लेखन कर्म में। उतर चला था वह जल प्रावन और निकलने लगी मही। लो चला आज मैं छोड़ यही संचित संवेदन हार पुंज। लो चला आज मैं छोड़ यही संचित संवेदन भार पुंज। मुझको काटे ही मिले धन्य हो सफल तुम्हें ही कुसुम कुंज। कह ज्वलनशील अंतर लेकर 20 वर्षों के इतिहास में छायावाद ने काफी रूप बदला। नारी के अंतः और बाह्य दोनों ही रूपों को कामायनी में उजागर किया है जयशंकर प्रसाद ने। अपना ही रस छकता